तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपके आंखों पे हॉलस मुखिया मेकअप बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो स्टार्टिंग से लेकर तो एंड तक आपको ये वीडियो जरूर देखना है दोस्तों, ताकि आप समझ सके घर के घर में आप स्मोकी आई बना सकते हो, जो कि पार्टी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो दोस्तों चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर अगर नया हो दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके सामने मैं लाते रहता हूँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आई मेकअप बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने आई के ऊपर मॉइस्चराइज लगा लेता हूँ, ताकि जो हमारा जो बेस बने काफ़ी अच्छा बने, पैची पैची नहीं बने। अगर आप क्या होता है दोस्तों, अगर आप तो मॉइस्चराइज अच्छे से नहीं करते हो तो जो हम बेस लगाते हैं तो काफ़ी पैची पैची होता है। तो फटाफट से मैं मॉइस्चराइज कर लेता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी अच्छे से मॉइस्चराइज कर चुका हूँ, तो फाइनली अब हमारे को यहाँ पर बेस यानी फाउंडेशन अप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखने वाली एक बात है दोस्तों, स्मोकी है जब भी आप बनाते हो तो सबसे पहले आपको बेस अप्लाई नहीं करना पड़ता, सबसे पहले आपको काजल या लाइनर होता है, जेल लाइनर, तो वो अप्लाई करना पड़ता है, जो सबसे इजी टेक्निक मैं बता रहा हूँ। कोई कोई सबसे पहले बेस अप्लाई करते हैं, कोई कोई काजल अप्लाई करते हैं, तो मेरे को सबसे ईजी आता है और सबसे आसान जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले काजल अप्लाई करता हूँ। अपने आँखों पर काजल लगा लेता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे जो हमारी क्रीज की लाइन होती है दोस्तों, जो हमारी क्रीज की लाइन होती है वहाँ तक हमारे को काजल अच्छे तरीके से लगाना है, काफ़ी घना। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम आई मेकअप बनाते हैं दोस्तों, तो काफ़ी गंदा लगता है। मैंने जब भी हमने कस्टमर किए तो कस्टमर करते वक्त दोस्तों हम आईने के सामने नहीं बैठाते क्लाइंट को, तो जब पूरा हो जाते तभी हम क्लाइंट को आईना दिखाते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर देख सकते किस टाइप से लगा रहा हूँ, जैसे उसी देख सकते हैं पूरा काजल लगाना है। दोस्तों यहाँ पर पूरा काजल लगा चुका, अभी फाइनली मैं इसको ब्लेंड करूँगा काफ़ी एयरपोर्ट की मदद से कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते काजल हल्के हाथों से आपको थोड़ी थोड़ी घुमाना है, इसके बाद दोस्तों आपका जो बेस होता है वो बेस आपको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ बेस, जैसे कि दोस्तों अभी यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी बद्दा मेकअप दिख रहा है। बनने के बाद बहुत अच्छा दिखता है दोस्तों, स्टार्टिंग में बद्दा तो लगता है जो पूरा होने का रहता है। जैसे कि दोस्तों मैं अभी जो मैंने बेस लगाया उसको हल्के से टैप टैप करूँगा, जैसे कि आप देख रहे हो, बस वो लगाने के बाद मैं फिर से काजल लूँगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर से काजल लूँगा, काजल लेने के बाद फिर से पूरी क्वान्टिटी में मैंने काजल लिया हल्का। दोस्तों अभी काजल का काम हो गया, तो खाली हमारे को जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है वो लेना है। ठीक है, वो लेने के बाद हमारे को थोड़ा ब्लेंड करते रहना। जो हमने काजल लगाया था बस उसी के ऊपर ब्लैक कलर का शेड लगाना है आई पैलेट। ठीक है, तो जैसे मैं अभी लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद दोस्तों हमारे को हल्का जो लाइट ब्राउन होता है बस वो कलर लेना है। जो क्रीज लाइन होती है बस उसके ऊपर ला के आपको टैप टैप करके हल्का हल्का कलर लगाना है। थोड़ा सा उसमें टैप कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गए दोस्तों हमारी स्मोकी आई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर लेता हूँ। तो हमारी स्मोकी है, बाकी अब इसको डेकोरेट करना है दोस्तों। तो डेकोरेट करने के लिए मैं पिगमेंट यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पास मेकअप स्टूडियो का पिगमेंट है, काफ़ी अच्छा है, तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ये लीटर में पिगमेंट है, तो सीधी ये पिगमेंट तो मैं
मिडल एरिया, बस मिडल एरिया में हल्का हल्का टैप कर वो लगा लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हाइलाइटर है, तो सिंपली मैं हाइलाइटर अप्लाई कर देता हूँ। काफ़ी हाइलाइटर से क्या होता है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है और जो हमारी आँखें थोड़ी बड़ी दिखती है तो इससे काफ़ी लुक दिखने में मज़ा आता है। उसके बाद में इनर कॉर्नर पे लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं दोस्तों आईलाइनर से थोड़ी अच्छी सी आप दिख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आई मेकअप पूरा पूरी तरह से डन हो चुका है, आप देख सकते हो। सॉरी, आप देख सकते हो मेरा स्मोकी आई पूरा बन चुका है। तो स्टेप बाय स्टेप बनाया दोस्तों ये, तो ये मेकअप बनाने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है दोस्तों। इस टाइप से मैंने स्मोकी आई बनाया दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जो भी मैं सैलून से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ, मेकअप से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ या ड्रीडलॉग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ, सबसे पहले उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, प्लीज़ आप ये पहली बार देखने वाले, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।